हेडिंग डाल लीजिए नाइट्रेशंस, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, यानी हमें बेंजीन पे NO2 ग्रुप अटैच करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसकी रिएक्शंस किस तरह से देखने को मिलेगी आपको। ये बेंजीन है, आपने कंसंट्रेटेड HNO3 रखा, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 का, मैंने कुछ नहीं कहा, बस से पूछा क्यों रखा। ठीक है, तो और आपको फाइनली ये प्रोडक्ट मिल गया NO2। ठीक है, तो मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन था भाई, आपने ये मैकेनिज्म कैसे दी और ऐसे कैसे बना। तो मैकेनिज्म इस तरह से रही है, HNO3 और H2SO4 दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों ही क्या है, सुपर स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड और पानी है ही नहीं, तो एक को एसिड और एक को बेस बनना पड़ता है। अगर पानी होता यानी वाटर होता तो दोनों ही एसिड बन जाते, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ वाटर जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन दोनों में, वो एसिड बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। तो इस कंडीशन में H2SO4 कंसंट्रेटेड एसिड का काम करेगा, यानी प्रोटॉन डोनर, और दूसरी तरफ HNO3 जो भी अपने आप में कंसंट्रेटेड है वो क्या बनेगा, बेस, और इस जगह क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो बताओ ये अभी कौन सी रिएक्शन हुई है, रेडॉक्स या एसिड बेस, एसिड बेस। तो इस वजह से इसने एक एच दिया, HSO4 माइनस बना, प्लस एन ओ एच एच ये हमारे पास है, क्योंकि इसने ले लिया तो यहां पर प्लस आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ओ, एक डबल बॉन्ड में ओ, तो ये हमारे पास तीन ऑक्सीजन थे। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे प्रोटॉन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ये NO2 ये पूरा लीव कर जाएगा और आपको NO2+ मिलेगा। तो आपके पास पहला क्वेश्चन कि इसके पास तो दो एच थे, इसने एक ही क्यों दिया, क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है पानी में, और उस जगह उसकी बेसिसिटी क्या होती है, 2, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ वाटर H2SO4 एक एच प्लस दे देता है, उसके बाद दूसरा देने की उसकी खत्म टेंडेंसी खत्म हो जाती है, फिर HNO3 को नहीं देता। यानी कि अगर मैं आपसे आसान भाषा में पूछता हूँ, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इन वाटर, आंसर गोज टू 2। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इन कंसंट्रेटेड HNO3, आंसर गोज टू 1। ये आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। तो यहां क्या नोट लिखेंगे आप, बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इन HNO3 कंसंट्रेटेड इज इक्वल टू 1, और उससे पहले सेम चीज, बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इन वाटर, आंसर गोज टू 2। तो आपको NO2 स्पीशीज मिला, और इन NO2+ अपने आप इस पूरी रिएक्शन में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या ढूंढेगा, न्यूक्लियोफाइल, और बेंजीन अपने आप में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो जब बेंजीन इसको दिखेगी और NO2+ है, तो ये यहां अटैक करेगा और ये बाहर चला जाएगा, ओवरऑल आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, NO2 बाहर चला जाएगा और H+, NO2 अंदर चला जाएगा और H+ बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास नाइट्रेशंस देखने को मिलेगा। तो कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं, जब आप नाइट्रेशन देख चुके हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा यदि कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जनरली अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान
ध्यान से देखिएगा, इस जगह अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और एक और कंपाउंड जहां जी डैश जुड़ा हुआ है और ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि प्लस एम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि माइनस एम। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो नाइट्रेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इस जगह मेटा पोजिशंस पे नहीं मिलेगा, ऑर्थो और पेरा पे मिलेगा। सही है, ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग होता है तो ऑर्थो और पेरा में NO2 अटैच कर सकते हो, लेकिन इसमें मेजर कहाँ मिलेगा आपको? जनरली पेरा पे मेजर यहाँ मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा? माइनर। और इस कंडीशन में अगर आप जी डैश जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो आपको यहाँ में देखने को मिलेगा, यानी मेटा पोजीशन पे आपको मेजर ग्रुप देखने को मिलेगा। यस और नो? तो लिखें इसको।